Hey guys, this is boy Amanda Trawal. आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो कि अपने नींद की बुरी हैबिट से परेशान हैं। सबसे पहले आई होप यार आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं इस पेंडेमिक के दौरान वो सेफ होंगे, और अगर वो कोरोना से अफेक्ट हुए हैं आई होप कि उनकी यार बहुत फास्ट रिकवरी हो। अगर आप वो बच्चे हो जो कि कहता है कि भैया मैं 7 से 8 घंटे की नींद प्लान करता हूं पर मैं दिन में 10-10, 11 घंटे सो रहा हूं, मुझे ये नहीं पता कि मैं दिन में पढ़ाई करूं या रात में पढ़ाई करूं, मैं जैसे ही अपनी किताबें खोलता हूं मेरे को एकदम से नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, तो इस वीडियो के अंदर यार हम कुछ सॉलिड सॉल्यूशंस की बात कर रहे होंगे। मेरा मानना है एक सॉल्यूशन है जिसको शायद हम मिस आउट कर रहे हैं, और सिर्फ 5 से 6 साइंटिफिक सॉल्यूशंस भी आपके साथ जनाब मैं डिस्कस कर रहा हूंगा। है क्या यार कि हम सबके अंदर एक जो आग थी वो धीरे धीरे बुझ जाती है, हम खुद भूल जाते हैं हमारा आखिरी मकसद क्या है, पर्पस क्या है, किस चीज की वजह से यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं हर दिन, ये किताब मैंने अपने सामने क्यों खोली है। जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो, आप फुटबॉल खेलते हो, आपको पता होता है कि यार जो ओपोनेंट है उसका गोल मारना है। आप क्रिकेट खेलते हो, आपके सामने एक फाइनल स्कोर होता है कि यार इतने ओवर हो चुके हैं, बचे हुए ओवर में इतने रन मारने हैं। पर कभी कभी करियर की रेस में जब हम भाग रहे होते हैं हम भूल जाते हैं कि यार मैंने किताब क्यों खोल रखी है। आज आप सभी लोगों से यार 5 से 6 साल में आगे हूं, जितने भी बच्चे 11th 12th में पढ़ रहे हैं, मैं आपको आपकी आगे की फ्यूचर की एक छोटी सी पिक्चर बताना चाहता हूं। आप में से मेजॉरिटी बच्चा 2 भागों में बटने वाला है। एक भाग ऐसा होगा जिसकी अच्छी सैलरी होगी, जो कि लाख रुपए के प्रति महीना कमा रहा होगा। दूसरा जो भाग है वो 10-20-30 हजार रुपए कमा रहा होगा। अब यार फाइनेंसेस ही जिंदगी में सब कुछ डिसाइड नहीं करते, आज मैं डिस्कस कर रहा हूंगा वो क्या क्या डिसाइड करते हैं। जो दूसरे भाग वाले बच्चे होंगे जनाब, उनको जब घर में खाना भूख लगा होगा तो वो अपना खाना स्वयं बना रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो सबसे अफोर्डेबल तरीका है। अगर उन्हें कहीं पे जाना है, ट्रैवल करना है, तो वो बस ट्रेन मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे होंगे। वहीं पे अगर आप पहले भाग वाले बच्चे हो सकता है आपकी कंपनी नहीं आपके ऊबर के खर्चे टैक्सी के खर्चे भर रही हो सकता है कि आप अपने खाने के लिए किसी को हायर कर ले, काम वाली दीदी को हायर कर ले, बाहर से ऑर्डर कर ले। हो सकता है कि जब आप बाहर जा रहे हो तो अब आपको रेस्टोरेंट में शॉपिंग्स में ये ना देखना पड़े कि यार कितना बड़ा प्राइस टैग है, बड़ी ब्रांड है, इसका मैं खरीद नहीं सकता। जब आप अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट ले रहे हो तो आपको सोचना ना पड़े कि यार मैं कितना पैसा लगाऊं कितना ना लगाऊं। आप इस पृथ्वी के ऊपर आए हो, क्या आप अपने लिए यार बेस्ट चीजें नहीं चाहते? मैं अभी दुनिया की बात कर भी नहीं रहा कि यार आप दुनिया में क्या वैल्यू एडिशन करोगे। एटलीस्ट पहले हम खुद के घर में आप उजाला कर पाए, इतने आप काबिल जरूर बने, बाकी फिर एक आग दिया जलता है। मेरा मानना है कि अपने घर को तो वो उठाता ही है, आस पड़ोस के घरों को भी अपने आप उठाता है। आपके इंटेंशन अच्छे हैं तो आप पूरे शहर को भी उठा लो। पर आज आपको अपने आप से पूछना है, क्या आप छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, अरे यार उसने गेम के लिए खेलने बुलाया है, चलो यार मैं थोड़ी सी ज्यादा देर और सो जाता हूं। अगर आपका दोस्त आपको मूवी के लिए बुलाता है, चाहे हमारी 1 दिन की नींद पेंडिंग हो, उसके बावजूद भी हम बड़े एक्साइटेड होते हैं कि यार हाँ यार मूवी देखने जाते हैं। पर अगर आपने 7 घंटे की नींद ले रखी है और उसके बाद हम किताब खोलने फिर भी हमें फिर से नींद आती है, क्यों? आग मिसिंग है। एक बर्निंग डिजायर नहीं है हमारे अंदर कि यार कुछ भी हो जाए अगले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर मैं अपनी औकात बनाऊंगा। एक स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर औकात बनाता है एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देख के। कल 70 आए थे, इस बार 85 आएंगे, पिछली बार 85 आए थे, इस बार 90 आएंगे, पिछली बार 85 आए, इस बार मैं 95 से ऊपर लेके आऊंगा। सिमिलरली एंट्रेंस एग्जाम में आपके गोल होने चाहिए, सपना क्यों नहीं बढ़ा लें हम अपना। फिर यार आपके कुछ साइंटिफिक रीजंस भी हैं जिन पे आप फोकस कर रहे हैं। देखो यार है क्या, ये जो यंग एज है, जिंदगी बड़ी लंबी रेस है, 40-50 साल तक सब लोग भागेंगे। कुछ लोगों ने गलत धारणा मना रखी है कि जनाब शायद कॉलेज तक ही हमें पढ़ना पड़ता होगा, उसके साथ तो जॉब लग जाएगी, शायद सरकारी जॉब तक ही एंट्रेंस तक पढ़ना है, उसके बाद तो जॉब लग जाएगी, फिर जिंदगी में ठाटी ठाटा। ये गलत सोच है आपकी। आपको जब तक यार सांस है तब तक भागना पड़ेगा। और जो इस विजन के साथ भागेगा कि यार मैं 35 की उम्र में और मेहनत करूंगा, मैं 40 कहूंगा तब और मेहनत करूंगा, 50 में मेरे को इतना आगे जाना है, वो व्यक्ति जब एंड लाइन क्रॉस कर रहा होता है तब जीत रहा होता है। पर एक चीज फिर भी बताऊंगा, अभी आप यंग हो और ये आपकी जर्नी के शुरुआत के साल हैं। इस समय जो आपने मेहनत करी वो आपको बाकियों से बहुत एक लीड दे रही होगी। आज जो आप x इनपुट डालोगे वो आपको x टू द पावर 5 आउटपुट देगा।
आपके ऊपर है कि यार आप 11वीं 12वीं में मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें। भैया क्यों अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें? क्योंकि वहां आप जैसे ही और बेहतरीन बच्चे होंगे जिनके सपने बड़े होंगे, तो आप भी बड़े सपने ले रहे होंगे। और फिर एक कॉलेज के बाद एक अच्छी जॉब ले लें या अपना खुद का एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर दें, पैसे कमाएं, खुद पे आप खड़े हों, तभी आप बाकियों की सहायता कर पाओगे। या फिर आप वो व्यक्ति होना चाहते हो, आपने स्कूल में उतने मन से पढ़ाई नहीं करी, फिर ना कॉलेज में करी, उसके बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे 4 साल लगा चुके, उम्र हमारी 24-25 हो गई है, घर वाले परेशान हैं, आप परेशान हो। या फिर आप वो व्यक्ति बनना चाहते हो जो 21 साल की उम्र में अपने पैरों पर खड़ा है, 22-23 साल की उम्र में और प्रोग्रेस कर रहा है अपनी जिंदगी के अराउंड, जो आपकी लग्जरीज हैं उनको एक्सपीरियंस कर रहा है। आपके ऊपर है यार, आप क्या करना चाहते हो। तो फिर आपके यार कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं। एज अ स्टूडेंट आपको अपने यार कभी भी बहुत ज्यादा पेट नहीं भरना चाहिए। अगर आपकी भूख 100 की है तो 80% ही खाओ, थोड़ा खाली रखो उसे। होता क्या है, आप बहुत ज्यादा पेट भर लोगे तो सारी जो ऑक्सीजन दिमाग में थी उस पेट को खाने को डाइजेस्ट करने में चली जाएगी। तो कभी आपने नोटिस किया होगा कि लंच और डिनर के बाद एकदम से ज्यादा भूख लगती है। भैया कब सोना चाहिए, दिन में सोएं या रात में सोएं? देखो मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। जब मैं स्टूडेंट था मैं रात को सोता था, जब मैं कॉलेज में था मैं दिन में सोता था, अब जब मैं कंपनी चलाता हूं मैं रात में सोता हूं। सबके रीजन बताता हूं। कॉलेज के दौरान यार मेरा कॉलेज की खुद की पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मैं बाकी काम करता था, तो रात को मैं अकेला काम करता था तो मैं करता जाता था, किसी पर डिपेंडेंट नहीं था। जैसे ही मैंने कंपनी खोली, क्योंकि सारे कंपनी में लोग सुबह सुबह आ जाते हैं, 10 बजे आ जाते हैं, 9:30 बजे आते हैं, तो इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम मैं भी अवेलेबल हूं, तो मैंने रात को सोना स्टार्ट किया। तो ये जिंदगी आपको सारे मौके देगी सारे चीजें ट्राई करने के, पर स्टूडेंट लाइफ के दौरान आपको रात को सोना चाहिए। क्यों सोना चाहिए जनाब? क्योंकि जैसे क्या होता, क्या आपने डिनर कर लिया, उसके बाद 12-1 बज गए, 1 बजे आपको लगता है कि यार मेरी बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी आ रही है, तो आप मम्मी को कहते मम्मी आप सो जाओ। फिर जैसे ही 2 बजते हैं आपको भूख लगनी स्टार्ट हुई, आप किचन के अंदर जाओगे, टुक 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 टुक, अरे यार मैगी मिल जाए, मैगी भी बनाओगे 15 मिनट लग जाएंगे। फिर मैगी खाते वक्त सोचोगे यार कुछ मैं लैपटॉप पे खोल लेता हूँ, वो एपिसोड 1 आप देख रहे होगे, मैगी खत्म हो जाएगी, फिर आप एपिसोड 2 देखना स्टार्ट कर दोगे, 3 वो मूवी खत्म नहीं हो रही अभी तक, पता चला 4-5 बज गए हैं, फिर आपको थोड़ा सा गिल्ट आ रहा है, आप सोचते हो चलो अब मैं सो जाता हूँ, फिर आप 11-12 बजे दिन में उठ रहे हो, तो ऐसे यार पूरा रूटीन खराब हो जाता है। दिन में आपकी मम्मी जगी होती है, आपके ऊपर नजर रख सकती है, साथ में आपको भूख भूख लगती है तो आप साथ में खाना रख सकते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। फिर भी इसमें भी एक और चीज, अगर आप रात को सोते हैं तो या तो बहुत जल्दी सो जाए 9:30-10 बजे, इससे क्या होगा कि आप सुबह उठ जाएंगे अपना 5 बजे के करीब, और अभी तो खैर स्कूल नहीं चल रहे, पर यूजुअली फिर 5 से 7 के बीच में आप 1.5 से 2 घंटा पढ़ सकते हो स्कूल जाने से पहले। या फिर आप रात को लेट सोएं 1-1.5 बजे। अब आप में से काफी हंस सकते हैं कि यार 1-1.5 बजे भैया लेट थोड़ी ना होता है, पर हाँ 1.5 से ज्यादा आप ना खींचे, 1-1.5 बजे, तो उससे क्या होगा आप रात को पढ़ भी लोगे थोड़ा सा, और दिन में जैसे ही उठोगे आप सीधा स्कूल के लिए जा सकते हो। तो भैया क्या मेरे को 11 बजे नहीं सोना चाहिए? सोने को आप सो सकते हो। मेरा ये पर्सनल मानना है कि यूजुअली मेजोरिटी बच्चे 9:30 के करीब खाना खाते हैं। अब 9:30 खाना खाते ही 12-1 घंटा तो मन ही नहीं करता, थोड़ा सा लेजी फील करते हैं, इतने में 10:15-10:30 बजे फिर आपका सोने का समय हो जाता है, तो आप रात को भी नहीं पढ़ पाते और आप दिन में भी जल्दी नहीं उठ पाते। इसलिए मेरा मानना है या तो आप 9:30-10 वाले बच्चे बन जाओ सोने वाले, या फिर आप 1-1.5 बजे सोने वाले बच्चे बन जाए। तो ये चीजें भी हमने डिस्कस कर ली। फिर होती है यार कुछ अलार्म बेसिक जैसी चीजें कि भैया जो मेरी अलार्म हो, लकीली अगर आप 11-12 में आपके पेरेंट्स ही आपसे सबसे स्ट्रांग अलार्म है, आप एक समय बताएं आपकी मम्मी आपको उस समय उठा देंगी, नहीं तो अगर आप खुद ही उठते हैं, आप किसी पीजी वगैरह में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो अपने मोबाइल को बेड से दूर रखें जैसे कि उसको उठाएं, और अपने आप से यार ये आपको प्रण लेना पड़ेगा, वरना आप उस अलार्म को भी बंद कर दोगे कि यार अगर मेरे को एक बार चीज सुनने को मिल गई, मेरे को अलार्म सुनाई दी, तो मैं पक्का खड़ा होऊंगा। एक रूल आपको बता देता हूं, 5-second rule होता है। जैसे ही आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है और आप 5 सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट नहीं करते हो, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी आप जिंदगी भर उसे एग्जीक्यूट नहीं करोगे। जैसे ही आप उठे, आपकी नींद उठी और आप कहते हो 5 सेकंड के अंदर आप बेड से नहीं उठे, आपकी हाई प्रोबेबिलिटी आप वापस सोने चले जाओगे। तो ये अपने आप से कमिटमेंट कर लो कि यार 5 सेकंड के अंदर एक्शन लूंगा मैं, मेरे को अलार्म उठ गई, मेरे ईगो पे बात आ गई, मेरा पर्सनल कॉन्फिडेंस की बात आ गई, मैं एक बार में उठूंगा। और आपको रात को प्लान करना पड़ेगा, सोने से पहले अपने आप को 10 बार बोलो कि मैं यार श्राइन पे उठूंगा, जैसे ही मुझे अलार्म सुनाई दी मैं पक्का उठूंगा, मैं पक्का उठूंगा, मैं पक्का उठूंगा, मैं सुबह जल्दी उठूंगा। मम्मी को बोलो कि मम्मी मैं सुबह उठूंगा। हम 4 लोगों को जब बोलते हैं घर में, पापा को बोलो कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि यार हाँ अब मुझे अपना प्रूव करना है इन पॉइंट की, या मैं अपने शब्दों पर खड़ा होता हूँ। जब भी आप सोने जा रहे हो उस टाइम डिवाइसेस से हो सके तो दूर रहें।
क्योंकि उनमें से यार ब्लू रेज आती हैं जिससे कि यार दिमाग में सिग्नल आता है कि यार अभी तो सूरज उठ रखा है, हमें नींद नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपके कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं सोते वक्त, जैसे ही अंधेरा हो जाता है, जैसे ही आप डिवाइसेस के सामने बैठते हैं वो लाइट ब्लू रेज अंदर जाती हैं और आपकी नींद चली जाती है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। तो अगर मजबूरी है स्क्रीन देखना तो आप ये कर सकते हैं, रीडर मोड जो थोड़ा सा डार्क मोड होता है, येल्लो स्क्रीन हो जाती है, वो चीज़ ऑन कर लें, उससे यार आँखों पर आपके कमज़ोर पड़ रहा होगा। तो ये आपके कुछ बेसिक उपाय हो गए। और यार आखिरी चीज़, अभी आप भाग रहे हो, ठीक है, जैसे यार आप स्पोर्ट्स खेलते हो, जब आप फील्ड में होते हो तो फील्ड में ऐसे बैठ के हम बाहर नहीं देखते स्टेडियम के बाहर यार क्या हो रहा है, चलो मैं उधर देख लेता हूँ, डिस्ट्रैक्शन पे हम ध्यान नहीं देते। उसी प्रकार अभी भी आप एक गेम खेल रहे हो और इस गेम के अंदर आपको डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना पड़ेगा, अपने शॉर्ट टर्म ग्रीड और शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को आपको साइड में रखना होगा, तभी आप उस लंबी रेस को जनाब जीत पाओगे। ये छोटी रेस नहीं है, ये बॉलीवुड नहीं है, ये लंबी रेस है। यहाँ पे जो दनादन भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, रुकेगा नहीं, वही आखिर में जीत रहा होगा। और मैं जब भी यार सेमिनार्स में बच्चों से मिलता हूँ, मुझे एक बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव वाइब आती है, स्पेशली हमारे जितने भी अभी कॉलेजेस के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, इनफैक्ट स्कूल के बच्चे भी, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इनके सपने आप सभी के बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और आप सब लोगों को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यार, हमारे देश का एक बहुत ही उज्ज्वल भविष्य है। चाहे अभी कैसे भी पेंडेमिक की सिचुएशन आ रही हूँ, चीज़ें चाहे ऊपर नीचे हो रही हों, सरकारें चाहे बदले कुछ भी करें, पर आप सभी लोगों को देखते हैं तो लगता है कि हाँ यार, डेफिनेटली हम एक से दो जनरेशन के अंदर अपने देश को सबसे ऊपर लेके जा रहे होंगे, कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे होंगे, ना ही कि सिर्फ अकेले देश के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। तब तक के लिए यार, सी या, हैव अ गुड डे, मिलते हैं जल्दी, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।